कका है। वाह, क्या बोले? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ सामने बैठी हैं। How are you? ठीक है। हटे, हम पूछ रहे कौन है आप? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। आपसे के लिए एसी दिए तो क्या करे। का नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल गांधी है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम तो अंगूरी है। नमस्कार। सुखी रहो। कैसे हैं आप लोग? फैन प्लास्टिक बा। फैंटास्टिक। सही पकड़े हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। धमाका, दिवाली का जो पटाखा होता है ना वैसे। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको? अब बताइए ना। ये बीजेपी वाले आपको बदनाम करते हैं, आपके बारे में झूठ बोलते हैं। हम उसका मुंह नोच लेंगे। दिन भर इनका यही काम है। हम उसको गोली मार देंगे। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब नोटबंदी की आप बैंक के सामने खड़ी थी ना? हाँ। आप खड़ी थी? हाँ। आपने अपना पैसा मतलब का आपका बैंक में डाला? क्या काला धन गायब हो गया? नहीं ना। नहीं। पैसा कहाँ गया? गुइयों के खेत में गए। पैसा गया सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, नरेंद्र मोदी ने डाला। ठीक है, कह रहे आप। कान बंद कर लो, अच्छा नहीं लगेगा आपको। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। कंटा पर रख कर देंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब मैंने कोई कुछ गलत बात बोली? वैसे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है? इन लड्डू के भैया आजकल बहुत हंगरी रहते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों, बात पे गुस्सा करते हैं। आज हम उनके फेवरेट मूली के पराठे बनाए तो बोले, अंगूरी मूली के पराठे काहे बनाए, का करे हो? पकौड़ा बनाओ। का? पकौड़ा बनाओ। आपने बनाया पकौड़ा? हाँ। अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के थोड़े खिला देना। ठीक बात, ठीक का। शाबाश। आप थोड़ी देर के बाद आइएगा घर पे। क्यों? हम पनीर के पकोड़े बना रहे हैं। वाह, मजा आ गया। आइएगा जरूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम बना देंगे गरम गरम, तब खा लीजिएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे वाह, तुझे तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई। ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूँ। ये तेरा काम है क्या? लूजर, जाओ पढ़ाई करो। तो मंडी में कौन जाएगा? ऐसा क्यों भाई? मंडी का क्या होगा आखिर? क्यों? मोदी जी, देश को आप बताइए, ये आपने काम क्यों किया? क्या हो गया भाई? पूरे देश के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूँ। सड़कों पे क्यों है? हमने कानून बनाए। नहीं मोदी जी, आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बहुत लाभ होने वाला है, इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूँ, यूटन बाबू, उम्र सारी। किसका फायदा करना चाहते हैं? देखिए, मेरे दिल में किसान नंबर वन जगह पे है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। ये सरासर झूठ है। उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है। अरे भाई, तुम्हें क्या मालूम? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उठो 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 उठो। सारे समीकरण गड़बड़ आ गए। चौकीदार, चौकीदार, चोर है, चौकीदार, चोर है।
दादागिरी मत कर। ठीक है उसको छोड़ो, अगली बात करते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट, जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब तीसरा भी कानून है। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये कानून किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, जहाँ ज्यादा फायदा हो वहाँ किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। अच्छा, अगर ये कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? स्मार्ट बॉय, ये यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है। टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। अब इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए। क्या हुआ? बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि कई साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। होता है। अशप सॉल जी आ गए, नमस्कार। अपनी फौज ना ले। तुम में से कोई भी मर्द का आदमी है क्या? नहीं भाई साहब। मर्द तो नीचे। नहीं 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 नहीं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? परमवीर सिंह टिल्लो द शेर। अच्छा, ये कायर है, कवर्ड है, डरपोक है। इंडियन हूँ, इंडियन। क्या करते हो? मोहब्बत। यहाँ तो सभी दिल जले हैं। अब सुनिए, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। फरमाइए। मोदी जी मन की बात करते हैं ना? सही पकड़े हैं। आज मैं आपको मजे की बात बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको मजा आएगा। चल बता। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। What the fuck? वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। Smart boy. ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी हो सकता है। और आप हंस रहे हो, ये बड़ी सीरियस बात है। आप महान हैं। धन्यवाद। आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। कोई मानता नहीं है। पिस्तौल जी, हाँ, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था ना? इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और जो जो मर्द कभी मारे नहीं मानते। हम कांग्रेस के हैं। तेरे को एक बात बतानी है। एक मिनट। क्या ये सीक्रेट है? सीक्रेट है। बताइए। तुसी सारे चूहे हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है। आपको कांग्रेस पार्टी में आना, आ जाओ। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? हाँ। तू कहे तो भौंकूं? हाँ। तू कहे तो काटूं? मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। स्मार्ट ये बॉय। ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। अच्छा, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। डरो और डराओ। डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। इसमें तो कोई दम ही नहीं है। ये मजदूर कहाँ? सड़कों पे सो और मजदूरी करो। लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। भारत का मजदूर बेमान। अब मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा आराम को। भारत का मजदूर काम चोर। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराएगा। छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा चला। आ जाओ मैदान में, लड़ ले। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। निकल जाओ। तुम लोग कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। बैठिए, चाय पीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बॉयज, मैं
सूर्या के बैठने के स्टाइल देख अच्छे अच्छे झटका खाकर खड़े हो जाते हैं। यही है असली हिंदुस्तानी पावर। मुझे मालूम नहीं था। एए! मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। और ज्यादा बोलोगे तो दो गोली मारेंगे। माफी चाहता हूँ। सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये जगह तू जल्दी खाली कर दे। क्यों? जबरदस्ती कब्जा करके तमाम बिहारियों को क्यों बदनाम करता है? मेरे अंदर शक्ति है। तू मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा? मैं तुझे इंडियन पावर दिखाता हूँ, हैंड टू हैंड। क्या कहता है, दम है तो आ? आओ भैया, और दिखाएंगे तुम्हें। रिलैक्स बॉयज, आ जाओ। रुक जाओ, ब्रेक लो। मेरी बस की नहीं है। मेरे साथ बचपना मत किया कर, ये फाइनल वार्निंग है। इसके बाद वार्निंग नहीं, शुरू होगा वॉर। बेबे, इसको गोली और सोडा दो, इसका हजमा खराब हो गया। खैर देखिए, मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ। अभी तू बच्चा है, आपको शायद गलतफहमी है। एए, उंगली नीचे कर वरना हाथ काट के फेंक दूंगा। खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द निकल ले यहाँ से। मैं एक इंच पीछे नहीं हटने वाला हूँ। बेमौत मारा जाएगा। आ जाओ मैदान में, लड़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन जीतेगा। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। पता लग जाएगा आपको दो मिनट में। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, सिर्फ प्रधानमंत्री बना दो। भारत देश चाहिए था ना तुझको, ये ले मौत दे रहा हूँ। हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों का सूर्य यही अंजाम करता है।